साथियों, ममता दीदी सही सलाह देने वालों से कम और गलत सलाह देने वालों से ज्यादा गिरी हुई है। गलत सलाह देने वालों ने पहले दीदी को और दीदी की स्कूटी को नंदीग्राम भेजा, अब उन्हीं लोगों ने दीदी का टिकट बंगाल से ही काट दिया है। ये पता नहीं दीदी का हित चाहने वाले लोग हैं या दीदी का अहित चाहने वाले। दीदी की पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बयान आने के बाद दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं, दो बातें साफ हो जाती है। एक तो दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, सही है कि नहीं है? तभी तो कोई बाहर जाने की बात करेगा ना भाई, मेरी बात सही है कि नहीं है? अच्छा, दूसरी बात, दीदी आप बंगाल के बाहर अपने के लिए जगह तलाश करने में जुट गई है। अच्छा है, विधानसभा हारने के बाद लोकसभा में जरूर हाथ आजमाइए दीदी।